दोस्तों, एवन एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम फॉर्म 26AS डाउनलोड करना सीखेंगे। ये फॉर्म हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया था इनकम टैक्स के वेबसाइट से, और इसका वीडियो जो है हमारा हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं तो आप वहाँ से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से इनकम टैक्स के वेबसाइट पर अपना लॉगिन वगैरह नहीं बनाया हुआ तो आप SBI का जो ऑनलाइन सर्वर है, अगर आपके पास SBI की नेट बैंकिंग है तो वहाँ से भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा SBI का सर्वर है या SBI का जो आपका इंटरनेट बैंकिंग है, वहाँ से आप इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये जान लेते हैं कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी। तो फॉर्म 26AS जो है आपका, ये टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। तो जो भी आपका इनकम टैक्स काटा जाता है आपके आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, या फिर आपके जो FD है, फिक्स डिपॉजिट है, उसके द्वारा जो बैंक भी आपका इनकम टैक्स काटता है, तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो उन सब का जो डिटेल्स है वो फॉर्म 26AS में अवेलेबल हो जाती है, और जिसके हेल्प से आप इजीली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहाँ गूगल में जाना है। गूगल में हमें फर्स्ट उसमें ऑनलाइन SBI, ठीक है, ये आप टाइप करेंगे तो आप पर नॉर्मल जो SBI का जो आपकी नेट बैंकिंग है वो ओपन कर सकते हैं हम इससे। तो सबसे पहले हम अपना ऑनलाइन SBI यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे तो टाइप करते ही हमारा इस टाइप से खुल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे ऊपर वाला देखिए, आप इस पर क्लिक कीजिए लॉगिन के ऊपर। पर्सनल बैंकिंग है आपकी तो नॉर्मली पर्सनल बैंकिंग होती है, फिर कंटिन्यू कीजिए। ये तो सबको आता ही है जिसके पास नेट बैंकिंग है। तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम जो बैंक ने प्रोवाइड किया आपको वो डाल सकते हैं। मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ यहाँ पर। तो यूज़र नेम डालने के बाद आप अपना पासवर्ड फाइल फिल करिए, इसमें पासवर्ड फिल कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली सबको पता होता है कि कैसे करना है। मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया यहाँ पर। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको एक ही कैप्चा फिल करना होगा। तो अभी एक नया फीचर देखा है मैंने, काफ़ी दिन के बाद लॉगिन किया था तो यहाँ पर मैंने देखा कि अब ऑडियो कैप्चा भी आ गया है। तो आज मैं ऑडियो कैप्चा को ट्राई करूँगा। तो यहाँ देखिए, जैसे ही आप ऑडियो कैप्चा आप सेलेक्ट करते हैं तो ये मैंने ऑडियो कैप्चा पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंग चला दूँगा। तो ये रिकॉर्डिंग का बटन है नीचे, तो ये मेरे पास ऑडियो कैप्चा आ गया। तो देखते हैं, हमने जितनी बार भी इसको बटन को प्रेस किया सेम कैप्चा आता है हमारा, चेंज नहीं होता ये। तो ये मैं अपना जो कैप्चा है ऑडियो कैप्चा, इसको यहाँ पर फिल कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको फिल करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो मुझे एक OTP मिलेगा, जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इसके ऊपर हमारा OTP आ जाएगा। तो इस OTP को मैं यहाँ पर, इस OTP को मैंने फिल करना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ OTP की, कई बार थोड़ा डिले हो जाता है OTP। तो इस दौरान मैं आपसे बता दूं कि फॉर्म 26AS जो है हमारा डिफरेंट जो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, इवन प्राइवेट बैंक हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहता है। तो मैंने PNB पर देखा है, एक्सिस बैंक पर भी देखा है, HDFC बैंक पर भी देखा है। तो यहाँ से भी आप आपका फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, डाउनलोड करने का जो वेबसाइट है वो तो ट्रेसेस ही रहता है, लेकिन ये जितने भी बैंक हैं आपको ट्रेसेस तक पहुँचा सकते हैं। आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए बैंक में, तो उसके थ्रू आप ट्रेसेस तक पहुँच सकते हैं। इवन आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको E-वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो। नेट बैंकिंग का काफ़ी यूज़ है। तो अभी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ मेरा OTP आ जाए। तो OTP एक बार आ जाएगा तो मैं इसको ओपन कर पाऊँगा। OTP फिल करने के बाद इसको सबमिट करना है।
प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वेट कर लेते हैं। लगता है कुछ ओटीपी में गलती हो गई है, दो तीन ओटीपी इकट्ठे आ गए थे। लेटेस्ट ओटीपी भरना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर ट्राई करते हैं एक बार। तो ये ओटीपी ठीक है, तो हमारी ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा, तो टाइम नहीं है, अभी लेटर कर दिया हमने। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्म 26AS आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम टैक्स में जाते हैं, ईटैक्स। तो ईटैक्स में चेक करते हैं, यहाँ तो नहीं दिख रहा हमें कहीं भी फॉर्म 26AS, नहीं है ईटैक्स में हमारे पास। और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, कहीं और मिल जाए, नहीं है यहाँ पर भी। नीचे भी हमने मोर में भी चेक करके देख लिया है, तो यहाँ पर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो और देखते हैं कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसके बाद है ई सर्विसेज में देखते हैं, तो ई सर्विसेज में कहाँ हो सकता है ये देख लेते हैं हम। तो सर्टिफिकेट्स में हो सकता है ये, और तो कहीं नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट्स, माय सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो माय सर्टिफिकेट्स आ गया ये। इसमें चेक करते हैं कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या। दिख गया ये, तो ये है हमारा टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, ठीक है, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26AS। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम, तो क्लिक करते ही हमारे से वेरिफिकेशन मांगेगा पहले, तो हम अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पर सबमिट करते हैं, ठीक है। ये अकाउंट नंबर वेरीफाई किया, और फिर एक और हमारे पास आ जाएगा एक्सेप्टेंस के लिए, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं हम। तो जैसे हम कंफर्म करते हैं, तो हम ट्रेसिस की वेबसाइट पर पहुँचेंगे। तो ये हम ट्रेसिस की वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और प्रोसीड कर देना है। तो ये पहले वीडियो में भी हमने देखा था, यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। तो फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कंप्लीट प्रोसीजर को। तो यहाँ पर हम व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर हमने अपना असेसमेंट ईयर चूज करना है, तो असेसमेंट ईयर मैं 22-23 के लिए करूँगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट यही है असेसमेंट ईयर, तो ये 22-23 सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें असेसमेंट ईयर में। अगर आपने डाउनलोड करना है इसको, तो आपको यहाँ पर HTML सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डाउनलोड के लिए हमें HTML सेलेक्ट करना है, HTML सेलेक्ट करके व्यू कर लीजिए, और उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो पहले व्यू करेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार वेट करना पड़ता है, थोड़ी वेट करते हैं हम। तो बार बार क्लिक ना कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोड में, लेकिन अब HTML ही सिलेक्ट होना चाहिए डाउनलोड के लिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्म 26AS डाउनलोड, ओपन कर लिया हमने इसको। तो अभी तो देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग है, ठीक है, तो इसलिए कुछ खास मिलेगा नहीं इसमें, तो ये ब्लैंक ही है एक तरह से, ठीक है। ऑप्शन सारे हैं इसमें, ठीक है, कहाँ का कौन सा इंटरेस्ट है, TDS है, TCS है, तो ये सारे ऑप्शन तो रहते ही हैं, ठीक है। तो ये हमने अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही था, ठीक है। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे।